इंग्लिश ग्रामर की प्रैक्टिस ब्रश अप करेंगे कुछ ऐसे पर जो में बहुत ही है और अगर आप एक या कोई भी और लॉ एंट्रेंस एस्पिरेंट है तो अगर आप एक एंट्रेंस एस्पिरेंट है जैसा कि मैंने अभी अभी पूछा तो आपको डेली प्रैक्टिस करने की जरूरत है और अगर आप डेली प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं देन इट्स अ लॉस बिकॉज लेफ्ट

आपकी मेंटोरशिप के लिए आपकी प्रेपरेशन के लिए फॉर क्लैट और एनी अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट देन यू यू कैन कैन द द द पेड दैट वी आर ऑफरिंग हियर यूज कोड एंड गेट गेट मैक्सिमम डिस्काउंट आउट ऑफ इट नाउ विदाउट फर्दर लेट्स टू फर्देज टॉपिक जैसा कि मैंने बताया हम पढ़ रहे हैं टेंसेस और हमने टेंसेस शुरू करे थे प्रीवियस वीडियोस में भी अगर आपने वो नहीं देखी है गो एंड वॉच देम आज हम जो टेंस पढ़ रहे हैं ये अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वेरी रेलेवेंट बट वी यूज गेट दूसरा यूज क्या करना चाहिए और ये प्रैक्टिकली हम इसको सीखते क्यों स्कूल में तो पढ़े थे बट हमने सिर्फ इसीलिए पढ़े थे क्योंकि एग्जाम क्लियर करना था इसका रेलिवेंस हमें समझ में नहीं आता इसलिए हम इसके जो बेसिक्स हैं वो भूल जाते हैं चलो तो एक बार वन एंड फॉर ऑल इसको क्लियर करते हैं एंड देन मूव ऑन टू प्रैक्टिसिंग एक्सरसाइजेस इज वेल बट उससे पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरे पास है कि हम ये यूज कब करते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है

अगर अभी तक वो सारी चीजें जो पास्ट में आपके साथ हुई है जिसको आप रेफर कर रहे हो वो रेलेवेंट है और वो सही है तो आप क्या बोलोगे हाँ, आप यूज करोगे परफेक्ट टेंस फॉर एग्जाम्पल आई हैव हैड नो डेथ एक्सपीरियंस सो फार और आई हैव नेवर हैड अ नियर डेथ एक्सपीरियंस सो फार तो ये क्या हुआ ये रेलिवेंट है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है करेक्ट या इसको बहुत जनरली आप यूज भी करते हो कि यू नो आई हैव हैड सो मेनी एक्सपीरियंसेस इन माय लाइफ दैट दे टॉट मी टू नॉट ट्रस्ट पीपल इजीली क्योंकि मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं आज तक दैट्स व्हाई आई टेल पीपल नॉट टू ट्रस्ट पीपल इजीली तो इसमें हमने कौन सा टेंस यूज किया आई हैव हैड दैट मींस हैव यूज करा थर्ड फॉर्म यूज करा तो वो बन गया परफेक्ट टेंस इसकी फॉर्मेशन थोड़ी सी ट्रिकी है हम उसको भी समझेंगे सबसे पहले हमारे जो सेंटेंस है उसको सही बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है अगेन सब्जेक्ट वी नीड अ वर्ब राइट हमारे पास सब्जेक्ट होना चाहिए हमारे पास वर्ब होना चाहिए लेकिन जब हम फॉर्मेशन की बात करते हैं परफेक्ट टेंस की तो वहां पर हमारे पास has या have भी होना चाहिए और हैज और हेफ के साथ हमें पता है कौन सी वर्ब फॉर्म यूज होती है पास्ट पार्टिसिपल फॉर एग्जाम्पल गो हो गई फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म कौन सी होती है वेंट राइट एंड देन वी हैव गॉन तो हमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है इसमें आई हैव अगेन पास्ट यू हैव दे हैव वी हैव हैव वी बट हम हैज किसके साथ यू करते हैं यूज करते हैं ही शी या इट के साथ मतलब सिंगुलर है तो हैज प्लूरल है तो हैव यहाँ पे देखो ही के साथ हैज ही के साथ भी हैज के साथ भी हैज टी हैज हैड एन एक्सीडेंट नेगेटिव में हम कुछ भी नहीं करेंगे सिर्फ क्या कर देंगे नॉट ऐड कर देंगे दैट इज इट तो जब भी नेगेटिव सेंटेंस आया तो हमने क्या किया हमारे पास सब्जेक्ट है हमें पता है हमारे पास हैव भी होना चाहिए क्योंकि परफेक्ट है और V3 भी होना चाहिए बस यहाँ पर नॉट ऐड कर देंगे ही हैजंट 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 इट क्वेश्चन अगर फॉर्म करना है तो अगेन क्वेश्चन वर्ड विच मीन डब्ल्यू एच फैमिली वर्ड हाउ उसके बाद हैव वी एंड देन पास्ट पार्टिसिपल बाय वी यू दे वी मीन द सब्जेक्ट और द प्रोनाउन करेक्ट जब हम टाइम एक्सप्रेशन की बात करते हैं

पास्ट में हुआ था ये लेकिन रेलेवेंट कब है अभी के टाइम पर इसलिए कौन सा टेंस यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वेरी गुड अगेन रिसेंटली या सो so फार के साथ भी हम ऐसा ही करते हैं फॉर एग्जांपल आई रिसेंटली आई रिसेंटली आई रिसेंटली सीन लेट्स से मूवी आई रिसेंटली वॉच्ड अ मूवी सो फार शी हैज बीन राइट सो फार शी हैज बीन राइट सो फार For, I have had this car years. time refer कर रहे हैं like for or since, तो इसमें सिर्फ एक difference है यहाँ पर for है यहाँ पर since है. और यहाँ पर five years यहाँ पर childhood. तो इससे हमारे को एक चीज भी समझ में आती है कि for और since में क्या फर्क होता है For हम कब use करते हैं जब हमारे पास duration है ठीक है और जब सिंस है तो हम कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं लाइक like, सिंस के बारे में बोल रहे हैं तो उस इवेंट से लेकर आने वाले फ्यूचर तक सब कुछ सिंस माय चाइल्डहुड मेरे चाइल्डहुड से लेकर आज तक लेकिन अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं सपोज वो पंद्रह साल का ड्यूरेशन था तो मैं बोलूंगी फॉर 15 इयर्स फॉर द लास्ट 15 इयर्स या सिंस चाइल्डहुड as i said if you are आपको हर रोज ये रिसोर्स भी मिलेंगे और इवेंचुअली इनके आंसर भी मिलेंगे ताकि आप चेक कर पाओ और अगर आप इन सारी चीजों के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं अब अगर आप ऑलरेडी प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका कोई भी सवाल आता है प्रैक्टिस करते टाइम then you know what to do right these are my social media handles a picture to click करो भेजो I'll try and answer that for you I'll try and explain it for you but believe me practice मी प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा वी हैव वेरी फ्यू डेज लेफ्ट आई नो हमारे पास दो ढाई महीने ही बचे हैं बट बिलीव मी इट्स डूएबल हम ये कर सकते हैं और हम ये करेंगे तो डोंट वरी अबाउट द टाइम दैट यू हैव लेफ्ट सोफा विद बट बिलीव मी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो रोज देन देर इज नो लुकिंग बैक यू विल बी एबल टू क्लियर यी एग्जामिनेशन अदरवाइज हम तो हैं ही टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द वेरी बेस्ट एन आई सी यून द नेक्स्ट वीडियो बाय